हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। व्हाट अ साइंस, आप लोग लास्ट हो लिस्ट में इस बार। ये आपका बोनस रीडिंग है। ओके, व्हाट अ साइंस के लिए क्या मैसेजेस है स्पिरिट हमारे पाइसिस, स्कॉर्पियोज एंड कंसेरियंस। मैसेजेस फॉर माई वाटर साइंस प्लीज, वाटर साइंस के लिए मैसेजेस प्लीज। ओके, एक पहले यहाँ पर कूद के बाहर निकल गया। वाटर साइंस के लिए क्या मैसेजेस है, वाटर साइंस के लिए क्या मैसेजेस है। Now I'm in a very goofy mood today. I guess you guys are too. Oh hi. Okay. We have letters today. Okay. That'd be enough. Okay. What a science ke liye pehla card. Breakup. पहला मैसेज ब्रेकअप। अभी अभी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ आपका? हाउ सैड। ओके, माय इनसिक्योरिटीज गॉट द बेस्ट ऑफ मी। या व्हाट अ साइंस, आपका पर्सन, आप जिसके साथ डील कर रहे हो, बहुत ही इनसिक्योर पर्सन है। लाइक उन्हें बिल्कुल भी अपने ट्रस्ट इश्यूज पे कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक दे आर वेरी इनसिक्योर। प्रॉब्ली आपने महसूस किया होगा कि वो रह के आपके साथ कंपीट कर रहे हैं, या जेन्युइनली उन्हें हर किसी के साथ कंपीट करने का मन करता होगा। लाइक हमेशा बहुत फाइस्टी रहते हैं, बहुत लड़ाकू रहते हैं। हमेशा ऐसे उन्हें फील होता होगा कि यू नो, हर कोई उन्हें काटने को दौड़ रहा है। बहुत ही डिफेंसिव बिहेव करते होंगे, हर किसी को लाइक नीचा दिखाने पे दौड़ जाती है। यू आर डीलिंग विद अ वेरी टॉक्सिक पर्सन, लेट्स जस्ट से दैट। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। एंड इट फील्स मोर लाइक आप जिस लेवल पे बात करते हो और आपका ये टॉक्सिक पार्टनर जिस लेवल पे बात करते हैं, उनमें कोई मैच नहीं है। इट्स लाइक आप जो भी कहते हो, यू फेल्ट कि उनके सर के ऊपर से सारी बातें निकल जाती हैं। और मे बी दे आर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ योर इमोशंस। लाइक आप कुछ कह रहे हो, ठीक है, वो ध्यान से सुनते नहीं या अवॉइड करते हैं उतने डीप में। यू गाइज आर वेरी डीप पीपल, राइट माई वाटर साइंस। आप लोग चीज़ें बहुत डीप लेवल पे फील करते हो, एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। अपने आप को जाहिर करना आपको अच्छा लगता है, इट्स पार्ट ऑफ बींग ह्यूमन। एंड आप बहुत स्मूथली एक्सप्रेस कर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, एंड ये पर्सन ट्रिगर्ड हो जाता होगा, या आप उन्हें मना करते थे कोई बात नहीं करने के लिए, प्रॉब्ली ज़बरदस्ती वो ही चीज़ें वो दौड़ाते थे। एंड दे वर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड वेरी अवॉइडेंट ऑफ व्हाट यू वर सेइंग। लाइक कंसिडर नहीं कर रहे थे आपके इमोशंस को, आपके सोच को, आप क्या कह रहे हो, क्या नथिंग। ओके, वी हैव द लेटर जेड, ठीक है। ये आपके पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, या ये आपका हो सकता है। वी हैव द क्यू, वी हैव फ्रेंड्स। फ्रेंड्स माइट बी अ फैक्टर आपके रिलेशनशिप में। आई फील कि इस वक्त आप अपने दोस्तों के साथ ही हो। इट्स लाइक आपके ब्रेकअप होने के बाद आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर के। एंड आपके इन फ्रेंड्स ने इस पर्सन को लेकर के आपको वॉर्न भी किया था, सेइंग कि बी केयरफुल विद दिस पर्सन, क्योंकि इसका बिहेवियर ठीक कुछ खटक रहा है यहाँ पर, कुछ है जो ठीक नहीं है। सो योर फ्रेंड्स रियली लव यू, ठीक है। वी हैव अब्यूसिव रिलीजियस मैन, टू यू राइट। तो आपका ये पर्सन इज़ अ वेरी रिलीजियस एंड अब्यूसिव पर्सन। लाइक इन्हें एक्चुअली भगवान पे यकीन नहीं है, या भगवान एक्चुअली क्या चाहते हैं हमसे, द स्पिरिचुअल साइड इज कम्प्लीटली एब्सेंट। इन्हें एक्चुअली नहीं पता, ठीक है ना, बट इसे गॉड कॉम्प्लेक्स हो रखी है, एंड ये खुद ही अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। एंड दे
दिस इज मोर लाइक ये लिटरली इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं. लाइक इन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि इनके रिलीजियस बुक में एग्जैक्टली क्या लिखा था, मैसेज क्या था, उसका मीनिंग क्या था. बस वो ज़बरदस्ती आपको ऑर्डर कर देते होंगे एक से कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. ठीक है ना. वी हैव वर्बल मेंटल अब्यूज. यस, ये पर्सन लिटरली आपको अब्यूज़ कर चुके हैं. दैट इज़ वाई यू ब्रोक अप फ्रॉम दिस मैन. दिस इज़ अ मैस्कुलिन यू आर डीलिंग विद और यू आर अ मैस्कुलिन डीलिंग विद एन अब्यूसिव फेमिनिन. ठीक है ना. स्विच द रोल. बट मुझे यहाँ पर मैस्कुलिन ही स्पेसिफिकली मिला है, सो आई जस्ट स्टिक टू दैट. ये ज़बरदस्ती करते होंगे, लाइक वेरी कंट्रोलिंग. आप क्या चाहते हो, आप क्या महसूस करते हो, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. दे विल जस्ट क्रॉस यू एंड इट्स लाइक अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो, प्रॉब्लम उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, घंटों आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देते होंगे, आपका फ़ोन पिकअप नहीं करते. इट्स लाइक जिद है, तुम वो करो जो मैं कहता हूँ, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे एंड द कॉन्सिक्वेंसेज वर वेरी हार्श. इस पर्सन ने प्रॉब्ली आपको मैनिपुलेट भी किया होगा एंड दूसरों के साथ आपको कंपेयर भी किया होगा, जहाँ पर दे वॉन्टेड टू हर्ट यू. वो एक्चुअली शो करना चाहते थे कि आई एम द बॉस हियर, मैं यहाँ पर रूल्स कॉल आउट करता हूँ, तुम नहीं. ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिन यू आर डीलिंग विद. स्पीक योर ट्रूथ. येस, वाटर साइंस, यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ. आप इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके साथ ये जो अब्यूसिव बिहेवियर्स हुआ है, आप जो यहाँ पर हर्ट हुए हो, आपको यहाँ पर अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करना होगा. दैट यू नीड टू गो अप टू दैट मैन एंड टेल हिम. वो जो अपने आप को मैन भी कहता है, दिस इज नॉट इवन अ मैन, दिस इज नॉट अ रियल मैन, दिस इज एन एसहोल. ठीक है. स्ट्रेट वॉक अप टू दैट एसहोल एंड टेल हिम दैट इज एन एसहोल. कॉल हिम आउट ऑन हिज शिट. लाइक आई एम सीरियस. वॉट अ साइंस जानिटीन्स. अब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. यू नीड टू बैश हिम अप लाइक लिटरली सबके सामने विथ प्रूफ. अगर मैसेजेस वगैरह है, विथ प्रूफ सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दो साले की. मैं सही में बता रही हूँ. आई कॉन्ट एक्सप्लेन वॉट आई एम गोइंग थ्रू, हाउ आई फील एग्जैक्टली, बट वन थिंग इज क्लियर, इट्स ऑल लिंक टू यू. माई रिसर्च ऑलवेज लीड्स मी बैक टू यू. येस, यहाँ पर किसी का ट्विन है. दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैसेज. ये किसी का ट्विन है जो कह रहे हैं, ट्विन हायर लेवल सोलमेट है, जो कह रहे हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली उनके भीतर क्या चल रहा है इस वक्त, पर उनके सारे रिसर्चेस घुमा फिरा करके वो आप ही पर आकर के रुक जाता है. ठीक है. इट लीड्स मी ऑल बैक टू यू. इसलिए वो कहीं से भी शुरू करे, किसी भी डायरेक्शन में जाए, घुमा फिरा के आप पे आकर के वो रुक जाते हैं. या वी हैव हैप्पीनेस. सो यू आर दिस पर्सन हैप्पीनेस. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिक पर्सन. दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैसेज. ठीक है. वी हैव फॉल्स लवर. लव टर्न एनिमी. यस. सो यहाँ पर किसी ने फॉल्स ट्विन फ्लेम को एक्सपीरियंस करा है बॉस. आपने अभी अभी जिसके साथ ब्रेकअप करा है, वो एक टॉक्सिक अब्यूसर था. स्ट्रेट अप, दैट्स द मैसेज. यू चोज द रॉन्ग पर्सन. ठीक है. एंड इफ दिस इज नॉट यू, दिस इज फ्रॉम योर पर्सन. ठीक है. कि उन्होंने एक फॉल्स ट्विन को एक्सपीरियंस किया है एंड दिस पर्सन वॉज अब्यूसिव. नाउ अगर वो मैस्कुलिन है तो द अब्यूसर इज योर पर्सन. स्पेसिफिकली द मैन जो यहाँ पर है, द वन हु इज कैरिंग द मैस्कुलिन एनर्जी. नो आई एक्चुअली मैन विद अ मैन. लड़का ही है, बंदा ही है. द बंदा इज अ टॉक्सिक मैस्कुलिन. या दिस इज द रनर. ओ माई गॉड, यू गाइज आर डीलिंग विद अ रनर. या your person is a toxic person. He is the religious man and he went into a toxic relationship.
अगर ये डिवाइन फेमिनिन है, आपका डिवाइन फेमिनिन है, तो उसकी मुलाकात एक टॉक्सिक मैस्कुलिन से हो गई है. और आई डोंट ब्लेम एनीवन फॉर व्हाट हैपेंड बिकॉज इट बिकॉज आई अलाउड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड. आई नो लॉन्गर ब्लेम यू, आई नो लॉन्गर ब्लेम मी. यस राइट, ये आपका कन्फर्मेशन है आपके रनर की तरफ से सेइंग कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, उनमें उन्होंने एक्टिवली हिस्सा लिया है, और इसलिए वो आपको और अपने आप को और जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, बिकॉज दे एक्सेप्टिंग दैट इट्स पार्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस. आई नो लॉन्गर ब्लेम यू. उन्होंने शायद अपनी ईगो में आकर के आपको ब्लेम किया होगा से कि तुम छोड़ के चले गए थे, बट नाउ दे आर लाइक नहीं, इसमें मेरा भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, प्रॉब्ली मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, बिकॉज मैं चीज़ों को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही थी या हैंडल नहीं कर पा रहा था. डियर बिलावेड, प्लीज़ डोंट हेल्प मी. आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एंड दैट्स पॉसिबल ओनली वेन आई लर्न टू हेल्प मी. राइट, तो यहाँ पर वाटर साइंस आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो आगे से जा कर के क्या मैं वो स्पेल वर्क हटा दूँ, क्या मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन का हेल्प कर दूँ, क्या मैं ये कर सकता. नो, आपका पर्सन लिटरली सेइंग डोंट, मुझे मेरा काम अकेले करने दो, मैं गिरूँगा संभलूँगा तभी मैं स्ट्रांग हो पाऊँगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरी पोटेंशियल क्या है. प्लीज़ डोंट मदर मी, मेरे माँ बनने की कोशिश मत करो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो. ओके, दैट वॉज हार्श. आई सी द ट्रूथ नाउ. समबडी हैड टू हियर इट आउट. कुछ ट्विंस एक्चुअली यहाँ पर अपने लो वाइब में इतना डेस्परेट हुए जा रहे थे ना. आई लिटरली सॉ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ रबिश and I called you guys out on this saying कि ये कार्मिक लोगों का काम है, प्लीज़ ये सब पूछ मत करो. अगर आप अपने आप को डिवाइन कहते हो, आपको इन सारी चीज़ों पर रुक, आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव ही अलग होगा. I see the truth now, right? ये आप कह रहे हो कि आई सी द ट्रूथ नाउ, क्योंकि आपकी तरफ से भी कुछ ऑफेंसिव बिहेवियर्स हुए हैं. आई एम हियरिंग आपने भी कुछ जगहों पे लाइन क्रॉस किया है. वाटर साइंस या सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट, दैट्स अ कंफर्मेशन. ओके, सो दैट्स द कार्मिक सोलमेट. द लवर टर्नड इनटू एन एनिमी, राइट, द कार्मिक सोलमेट. ये पास्ट लाइफ ही था. ओ, सोलमेट के बाद ही देखो ये ट्विन फ्लेम आया. सो आप में से कुछ लोगों के एक सोलमेट है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में गए एंड यू ब्रोक अप, एंड आपका एक ट्विन भी है जिसके साथ आपका उसके पहले भी ब्रेकअप हुआ. लाइक आपने अपने ट्विन को ऊपर एक सोलमेट को चुना बिकॉज इट वुड बी मोर ईजियर. तो आप यहाँ पर रनर रह चुके हो, और अगर आप रनर के साथ डील कर रहे थे तो आपके पर्सन का एक कार्मिक सोलमेट है जिसे उन्होंने आपके ऊपर चुना बिकॉज दे फेल्ट इट वॉज मोर ईजियर. ठीक है, क्योंकि वो उनको उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर रहे थे, उन्हें लगा था चीज़ें ईजी होंगी, पर वो स्टैगनेंट हो जाएंगे, उसको ये नहीं पता था. ठीक है ना, एंड वी हैव मैरिज या ऑन टॉप ऑफ ट्विन फ्लेम्स. सो आप में से कुछ लोगों के दो दो शादियाँ हैं. लाइक आपका पर्सन अगर पहले ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, वो दोबारा शादी करेंगे आपसे. It's on top of the twin, right? और अगर आप ऑलरेडी अपने कार्मिक सोलमेट के साथ आपकी शादी हो चुकी है, आप आगे चल करके आपके ट्विन के साथ होगा. सो देर आर टू मैरिजेज हियर, किसी का तो है. वी नीड टू टॉक. यस, दिस इज योर पर्सन सेइंग वी नीड टू टॉक. वो लिटरली आपसे बात करने के लिए डेस्परेट हुए जा रहे. मेरा मुँह सूख रहा है इस वक्त लाइक अचानक से. दे वॉन्ट टू टॉक. ठीक है, अब्यूसिव स्टेप मदर एंड फादर. या यहाँ पर किसी का ये है, क्या कहते हैं उसको, सौतेला माँ बाप है यहाँ पर किसी का. स्टेप पेरेंट्स विच वे आर वेरी अब्यूसिव. ये कोई आपका फॉस्टर पेरेंट भी हो सकते हैं. लाइक ये आपके एक्चुअल पेरेंट्स नहीं है, पर इन्होंने आपको नर्चर किया था. आई एम हियरिंग मामा मामी, चाचा चाची, या समबड़ी जिसने आपको अडॉप्ट किया हो. ठीक है, परिवार का ही कोई हो सकता है जिसने आपको आपका देखभाल किया है, या आपके आपका पेरेंट सिंगल पेरेंट थे और उन्होंने दूसरी शादी की, सो आप उससे आपको स्टेप मदर या फादर मिला एंड इन्होंने बहुत टॉर्चर किया है आपको.
या वी हैव अबंडेंस इज ऑन इट्स वे. बी केयरफुल गाइज, ये जो टॉक्सिक अब्यूसिव पेरेंट्स है, स्टेप मदर एंड फादर है, ये लौट के आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना. जस्ट बिफोर आपका अबंडेंस ओपन होने से ठीक पहले, यू नीड टू शट द मदरफकर्स ऑफ. आप लोग ऑलरेडी उनसे अलग हो चुके हो. ओह माय गुडनेस, यस ओके. आई कांट होल्ड बैक व्हेन इट कम्स टू यू मनी एंड सेक्स, राइट. लिसन, आपका पर्सन का आपसे दूर होना बहुत ज़रूरी था. इट्स बिकॉज उनके अंदर लालच भी थी एंड वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो इस कनेक्शन को ऑनर नहीं कर पा रहे थे, जो यूजुअली सारे रनर्स का सिचुएशन हो रखा है, ठीक है ना. फर्स्ट राउंड में सारे रनर्स की यही दुविधा होती है, वो ऑनर नहीं कर पाए इस कनेक्शन को. वो आपको देख कर एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे थे, प्यार से ज़्यादा उनके अंदर उनके सेक्सुअल अर्जेस उन्हें कुछ ज़्यादा ही रूल कर रहा था, ठीक है. जिसके चलते उन्होंने एक कार्मिक सोलमेट को उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा एंड ये जो उनके अंदर ये जो लालच आई है या टॉक्सिसिटी आई है, इसका इसको बढ़ावा देने वाला उनके अब्यूसिव स्टेप पेरेंट्स है. ये फिर ये आपका एडिक्शन हो सकता है. ये लिटरली आपके स्टेप पेरेंट्स आपके अंदर यू नो गलत तरीके से आपको एक्टिवेट करने की कोशिश करते होंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस आए या आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपको यू नो आपका क्रेविंग बढ़े एंड आप प्यार वार से भूल जाओ, ठीक है ना. वी हैव द लेटर एन. ओके, स्लीप लॉस, या यहाँ पर कोई है जो सो नहीं पा रहे, प्रॉब्ली आपका पर्सन बिकॉज दे आर डीलिंग विथ टॉक्सिक सिचुएशन. आई फील कि यहाँ पर जो अब्यूज़ हुआ है ना बचपन में, उन्हें नाइट मेज आ रहे हैं, उनका नाइट मेज अभी तक गया नहीं है. या वी हैव स्ट्रेस, यस यस एब्सोल्युटली यस. यू आर ट्रूली ब्लेस्ड, अ वाइफ, अ लव ऑफ अ लाइफ टाइम, राइट. लेकिन आपका पर्सन आपको रिकग्नाइज करते हैं एज द अदर हाफ. अगर आपको कन्फ्यूजन था कि क्या वो आपको जानते हैं नहीं जानते, उन्हें क्लियरली पता है कि उनका कार्मिक सोलमेट कौन है, उनके स्टेप पेरेंट्स कौन है, आप कौन हो. द ट्विन, दे नो इट, ठीक है, दे नो इट एंड दे आर सेइंग दैट यू आर अ लव ऑफ अ लाइफ टाइम, यू आर अ वाइब्रेशन इन इटसेल्फ. आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. आप अपने आप में एक पूरी दुनिया हो, यू आर इन यूनिवर्स इन इटसेल्फ, आई शुड से. यू आर माई ट्रू लव, माई होम, या ये पर्सन सेइंग यू आर माई ट्रू होम, माई ट्रू लव, ठीक है. वी से स्टे, लास्ट मैसेज. आपका पर्सन कह रहे हैं स्टे स्टे. आई फील ये आपने पहले अपने पर्सन से कहा होगा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भागो नहीं, रुक जाओ. बट देन आपका पर्सन भागने में, उन्हें मैराथन में हिस्सा लेना चाहिए था. या यहाँ पर कोई एक्चुअली हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दे रन. I'm hearing hurdles. Hurdle jump करते हैं, they're in sports, right? कोई यहाँ पर है जो sports खेलता है. Some closing messages. We have projection and reversed. Yeah, ये toxic parents ज़बरदस्त तरीके से आपके person के ऊपर project करते थे और आपका person अपनी insecurities आपके ऊपर project कर रहे थे and इसी चीज़ पर आप फुल स्टॉप लगा रहे हो कि नो नो नो, यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम मी फॉर द शिट यू हैव डन एंड आई डोंट केयर कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था. कुछ वक्त के लिए मैं बुरा फील कर सकती हूँ बट एंड ऑफ द डे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको शॉर्ट आउट करो, तुम इसे हील करो. मैं तुम्हारे अंदर घुस करके तुम्हारी हीलिंग नहीं कर सकती, ठीक है ना. सो या वी हैव द ट्यूनिंग इन जस्ट व्हेन आई सेड दैट. आप इस पर्सन को कंसिस्टेंटली कह रहे हो, इनफैक्ट डिवाइन आपको भी कह रहे हैं कि ट्यून इट, गो डू योर मेडिटेशन, हील योर सेल्फ फ्रॉम दिस वॉट एवर इशू इज गोइंग ऑन हियर. वी हैव द क्रिएटर, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड,
वी हैव द स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है, यू वॉकड आउट ऑन दिस पर्सन, लाइक लिटरली यू वॉकड आउट ऑन दिस पर्सन, सेंगे मुझसे ना होगा ये. एंड इस पर्सन से हटने के बाद ही आपका पेशेंस एंड आपकी क्रिएटिविटी, इट्स लाइक आपकी अवेकनिंग के बाद पहला टास्क आपका यही था कि आप अपने अंदर धैर्य लेकर के आओ, पेशेंस लेकर के आओ, ताकि आप एनर्जीज को होल्ड कर सको, ठीक है. एंड उसके बाद ही आपका क्रिएटिविटी ओपन हुआ, ताकि आप प्रॉपरली अपने लिए चीज़ों को यू नो अट्रैक्ट कर सको, मैनिफेस्ट कर सको, वट एवर गाइज यू विल डू. वी हैव हार्मनी, यू आर चूजिंग पीस ओवर ऑल दिस शिट, सेइंग कि ये जो भी सिचुएशन हो रखा है इन सब के ऊपर मुझे बस बस शांति शांति चाहिए, बस आई चूज माई शांति स्पॉट, मुझे शांति चाहिए, मुझे ये सब झमेला ये टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन अब्यूज्ड मेंटली इमोशनली एंड मुझे और ये नहीं चाहिए, ठीक है. या यू आर गोइंग थ्रू अ रीबर्थ विद इन लाइक नेक्स्ट 10 days, 10 दैट्स एंडिंग ऑफ साइकिल्स, यस यू आर क्लोजिंग, यू गोना क्लोज अप साइकिल्स विद द टॉक्सिक वंस. ये जो टॉक्सिक रिलीजियस पर्सन रहा है जिन्होंने आपको हर्ट किया है, प्रॉबली दोज टॉक्सिक पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स, ठीक है, दैट्स 10 इज क्लोजिंग ऑफ द साइकिल्स एकदम बिंदास. आप अगले 10 दिनों के अंदर, आई एम हियरिंग अक्टूबर, 10th इज द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में कुछ हुआ था जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा आपके लिए, एंड अगले 10 दिनों में आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन एक और राउंड होगा. मोरालिटी, दिस एक्सपीरियंस वॉज टू बिल्ड यू योर कैरेक्टर, आपका चरित्र निर्माण के लिए ये था कि आप एज अ ह्यूमन बींग एक्चुअली आपका सोल कितना प्योर है एंड आप में क्या कितनी डिविनिटी है ये बाहर लाने के लिए था. ये पूरा एक्सपीरियंस आपका ऑथेंटिक साइड बाहर लेकर के आ गया. इट बिल्ट यू अप एज अ गुड कैरेक्टर पर्सन, ठीक है ना. इट्स लाइक आप पहले से गुड कैरेक्टर थे, बट ये अब्यूज़ वगैरह के बीच में कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन के चलते शायद आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपकी रियलिटी क्या है, क्योंकि ये लोग यूजुअली कार्मिक्स जो होते हैं हमें हमारे ऑथेंटिसिटी से बहुत दूर लेकर के चले जाते हैं, राइट. बट देन ये पूरा एक्सपीरियंस, ये पूरी अवेकनिंग, ये ट्विन आपका जो स्पिरिचुअल प्रोसेस रहा, इससे इट बिल्ड यू अप एंड हेल्प टू बिल्ड अप योर कैरेक्टर, एंड आप एक्चुअली में कितने अमेजिंग हो ये एक्चुअली खुल के बाहर आया, ठीक है ना. एंड यू आर बींग वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी रियल विथ योर सेल्फ, ओके. आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पर. टेक केयर.